सो हमारे पास स्टोशियो में मिटाया दिया हुआ है, हमें उसने बोला है द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ मैग्नेटिक डाइपोल। सो मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है जो कि 10 सेंटीमीटर दूर है। हमने उसने पूछा है इज फाउंड टू बी 2 × 10⁻²⁴ टेस्ला। सो हमारे पास बी की वैल्यू है। हमें उसने पूछा है फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, ऑफ द डाइपोल। जब हमारे पास सिचुएशन क्या दी हुई है, पहली सिचुएशन है इन एंड ऑन पोजिशन ऑफ द डाइपोल। जब डाइपोल एंड ऑन पोजिशन, ये हमने परमानेंट मैग्नेट वाले चैप्टर में पढ़ा ही हुआ है, एंड ऑन पोजिशन मतलब हॉरिजॉन्टल पोजिशन में, एक्सियल पोजिशन और ब्रॉड साइड पोजिशन, इक्विटोरियल पोजिशन में डाइपोल है। सो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ डिस्टेंस जो कि आर है, सो वो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर मतलब 10 × 10⁻²⁪ मीटर। सो जो आर की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 10⁻¹ मीटर। सबसे पहले आर की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, उसने हमें मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू दी हुई है 2 × 10⁻⁴ टेस्ला। सबसे पहला पार्ट हमें सॉल्व कर लेते हैं जब हमारे पास एंड ऑन पोजीशन पे है। सो फॉर एंड ऑन पोजीशन, ये हमें मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। सो मान लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, लेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डाइपोल, मान लेते हैं वो एम है और वही हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो जब हमारे पास एंड ऑन पोजीशन होती है तो हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है बी इज गिवन बाय म्यू नॉट ओवर 4π2m/r³। सो हमारे पास सारी वैल्यूज दी हुई है और हम एम के लिए सॉल्व कर रहे हैं। सो हमारे पास है बी की वैल्यू है हमारे पास 2 × 10⁻⁴, म्यू नॉट ओवर 4π की वैल्यू होती है 10⁻⁷, 2m, और जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 10⁻¹ है, इससे क्यूब मतलब 10⁻³। इसे मुझे सवाल दे रहा था, हमारे पास है 10⁻⁴, यहाँ से ये टेंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये वाला 2 टेंसिल हो जाएगा। सो जो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है वो है 1 एम्पियर मीटर स्क्वेयर। अब हम इसे बी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास बी पार्ट में पोजीशन है ब्रॉड साइड पोजीशन दी हुई है। सो मान लेते हैं इधर भी लेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डाइपोल, मान लेते हैं ये एम दिया हुआ है हमारे पास। सो इधर जो हमारा फॉर्मूला यूज होता है वो होता है बी इज गिवन बाय म्यू नॉट ओवर 4π एम ओवर आर क्यूब। सो हमें एम के लिए सॉल्व करना है तो हम वैल्यू से यूज करते हैं, बी की वैल्यू तो सेम ही है, म्यू नॉट ओवर 4π होता है 10⁻⁷, एम हमें फाइंड करना है और डिस्टेंस भी हमारे पास 10⁻³ ही है। हमें पता है सारी वैल्यूज आपस में कैंसिल होने वाली है और जो एम की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 एम्पियर मीटर स्क्वेयर। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं,